मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि 15 तारीख की रात को यानी कि शाम के समय जो है एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता एनसीपी के ही जो नगर सेवक थे राजन किनी उनके ऑफिस के सामने जाकर जो है वहाँ पटाखे फोड़े ढोल ताशे बजाए और कुछ नारेबाजी भी वहाँ की गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजन किनी ने मुंब्रा के सभी पत्रकारों को बुलाया और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन में करने के लिए गए थे और इस संबंध में मुंब्रा पुलिस में उन्होंने एक लेटर भी दिया है। मुंब्रा पुलिस की तरफ से राजन किनी को आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए राजन किनी ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग वहां पर आकर इस तरह से नारेबाजी कर रहे थे पटाखे फोड़ रहे थे उस वक्त वो ऑफिस पर मौजूद नहीं थे। अगर किसी को ऐसी हरकत करना है पटाखे फोड़ना है या कुछ नारेबाजी करना है तो जिस वक्त वो ऑफिस पर मौजूद रहते हैं उस वक्त आकर वहां पर इस तरह की हरकत वो करके दिखाए। इस तरह का एक तरह से आप इसे चैलेंज कह सकते हैं कि ये राजन किनी की तरफ से चैलेंज भी दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और फिर राजन किनी के ऑफिस के पास जो नारेबाजी हुई उसको लेकर अब राजन किनी की तरफ से भी ये चैलेंजिंग किया जा रहा है कि इस तरह की हरकत करना है तो वो ऑफिस पर जब रहे उस वक्त आकर करे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ जो एनसीपी के ही नगर सेवक थे राजन किनी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पे बुलाया। किस सिलसिले में आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या है कि परसों रात को शाम को 7-8 बजे के वक्त जब मैं ऑफिस में नहीं था तो कुछ गुंडे किस्म के और चिचोरे किस्म के हिस्ट्री सीटर जिनके ऊपर गुन्ने दाखिल है ऐसे लोग ऑफिस पर आके कुछ ढोल नगाड़े बजा के गाली गलौज या बदतमीजी करने का कोशिश किए और किए भी उन्होंने। तो मैंने फिर पुलिस से भी ये इस बात का जिक्र किया और उनसे मैंने कहा कि इस बारे में आप कार्रवाई सख्त कार्रवाई करो इनके ऊपर, नहीं तो फिर मेरे को फिर आगे कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो पुलिस ने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये सब जो ओछी हरकतें हैं अगर आप ये 2012 में भी मेरे सामने मेरे घर के पास आके कुछ लोगों ने ढोल बजा के ऐसा ओछी हरकतें किए थे तो इस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ। लेकिन अगर किसी को ये ऐसा करने की अगर इच्छा है फिर से अगर कुछ करने का ऐसा उनको ऐसा लगता है कि इसके इससे वजह से उनको अगर कुछ नाम मिलता है या कुछ करने का है तो उनको फिर से एक बार बोलता हूँ कि जब मैं ऑफिस में रहूँगा ना तो वहाँ पर आके आप करके बताइए सब ढोल नगाड़ा ताशा बजाने का जो काम है या राजन किनी क्या है गद्दार है कि क्या है इसके बारे में आपको जो बोलना है ना एक बार मैं सामने रहूँगा ना तब आके बता देना या करके बताइएगा कि ये सब चीज़ें तो फिर भी मैं मानूंगा कि आप कुछ है आप में भी कुछ दम है तो इस बात को मैं ये करता हूँ। और ऐसे लोग तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं हाथी हूँ हाथी चले अपनी चाल कुत्ते भूखे हजार इस भावना से मैं काम करता हूँ। और लोगों को क्या करने का करने दो ना उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। लोग मेरे को मालूम है हमारे जो लोग हैं हमारे मुंब्रा के जो लोग हैं वो राजन किनी को किस हद तक चाहते वो मेरे को मालूम है ना तो इसकी वजह से मैं ये बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर भी मैं पुलिस प्रशासन से ये किया हूँ कि इसके ऊपर आप जो भी है जो भी योग्य जो कार्रवाई है वो तो कर लीजिए। पुलिस ने क्या अभी कार्रवाई के रूप में क्या किया है? पुलिस ने अभी मेरे को कहा है कि ये इसमें जो भी ऐसा आपका एक पत्र दीजिए और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है हम हमारे हिसाब से करेंगे और उस अगर कार्रवाई में संतोष नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। किसके वो जो लोग जो जल्लोश बना रहे थे वो किसके आदेश पे कौन उनको करने को कहा क्या लगता है आपको? अभी क्या है कि ये सब ये फालतू लोग हैं सब ये इनको कोई नेता ही नहीं है ये किसी की नहीं है इसके लिए ये बोल नहीं सकते कि ये किसी के बोलने के ऊपर इन्होंने किया या किसी का ये इनका कोई नेता नहीं इनका कोई वजूद नहीं है तो इसके लिए अपन सोचते हैं कि इनके बारे में क्या अपन बात करने का।
पार्टी का कोई बड़ा चेहरा वहाँ नजर नहीं आ रहा था, तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि पार्टी ने उनको हुशकर मतलब कि आगे बढ़ा दिया हो, क्या ये लोग अपने मन से सामने वो बात मैं बोलना भूल गया कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो कुछ ये ढोल ताशा नगाड़ा बजा रहे थे या कुछ धमाल कर रहे थे ऑफिस के सामने, तो उसमें आप देखेंगे होंगे कि पार्टी का हमारे पार्टी का कोई भी ऐसा जवाबदार आदमी नहीं था जो ये सब इसमें, तो आप समझ जाइए ना इसके ऊपर के किस तरीके के लोग हो सकते हैं।